हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है और इस चैप्टर से आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे और ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। यह सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम का एक पार्ट है जिसको हम यूनिट डिजिट करते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन को हम एग्ज़ाम में अक्सर गलत करके आते हैं। तो आज देखते हैं मैं इसको कैसे एक ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ और यह बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो तक बने रहिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आने वाले वीडियो में आपको अच्छी अच्छी वीडियो ट्रिक्स के बारे में बताया जा सके। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आइए देखते हैं क्या है। वैसे यूनिट डिजिट आप लोग पिछली क्लासों में देखे होंगे कि इकाई अंक क्या कहते हैं। जैसे किसी का नंबर दे दिया तो हम बताते थे कि इकाई अंक इसका क्या होगा, 9 होगा। बेसिक से शुरुआत करते हैं, आइए देखते हैं। सिर्फ आप लास्ट तक वीडियो तक बने रहेगा। आप इसमें टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड के तीन प्रकार के क्वेश्चंस देखेंगे और एग्ज़ाम में आपको अभी एग्जाम होने वाला है UPSI SSC बैंक रेलवे का। तो हर एग्जाम में, हर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसके 3 से 4 प्रश्न अनिवार्य होते हैं और यह आपसे 3 और 4 नंबर का अंक आपको अनिवार्य रूप से कंफर्म हो जाएगा कि नहीं, हम एग्जाम में 3 से 4 प्लस करके आएंगे। ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ढेर सारे चैनल है लेकिन इस चैनल के बाद है। आप देखिए हमारे माध्यम से कैसे इसको बताया जाता है, इसके माध्यम से क्या है तो आप लोगों को मालूम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4579 में आपको मालूम है, पिछली क्लासेज में पढ़ाया गया होगा आप लोगों को कि हमारा इकाई अंक क्या होता है। इसी को हम यूनिट डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। इस तरह से नंबरिंग दिया जाएगा, आपसे पूछ लेगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा। अगर मान लीजिए सेकेंड टाइप का दे दिया, ये टाइप फर्स्ट है, ट्रिक्स के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे इसको। हमें क्या करना है, इस तरह से लेंदी दे दिया तो हम गुणा करने नहीं बैठेंगे, हम क्या करेंगे, फटाक से आंसर इसका देंगे लगभग 4 से 5 सेकेंड में। कितने सेकेंड में? 4 से 5 सेकेंड। अगर गुणा करेंगे तो हमारा समय बहुत ज़्यादा जाएगा, तो हम यहाँ पे ध्यान देते हैं कि हमारा राइट से पहला अंक क्या है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो या गुणे का निशान, हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर का पहला डिजिट दाएँ से पहला अंक देखेंगे, हमारा क्या है, 9। इसमें हमारा इकाई अंक पे क्या है, 9। इस पे इकाई अंक पे क्या है, 0। तो हमारा 81 में माइनस 0 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 81। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 81 में इकाई अंक कौन सा होता है, 1 का। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यही हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा, कौन, 1। ठीक, थर्ड टाइप में देखेंगे। थर्ड टाइप में सिंपल है, ये क्या करेंगे, 7 1 7 प्लस, इसमें आपसे पूछ लेगा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट या इस नंबर में बताइए हमारा इकाई अंक क्या होगा। 3 - 2 = 10, 10 में से 2 चला गया, कितना बचा, बराबर 8। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए ये तो बेसिक है, आप लोगों को मालूम है, इस तरह से टाइप फर्स्ट का यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट कीजिए फटाक से और आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों टाइप सेकंड देखते हैं। टाइप फर्स्ट में हमने देखा यूनिट डिजिट मालूम करना था, तो उसमें हम क्या करते थे, राइट से पहला अंक निकाल करके हम बता देते थे प्लस माइनस करके कि यही हमारा यूनिट डिजिट है। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए 10 के पावर 2 है तो 10 का गुणा 2 बार करेंगे, यह कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो हमारा इकाई अंक क्या है, 0 है। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मैं एक फार्मूला बताता हूँ यानी ट्रिक्स। ट्रिक हमारा क्या करेगा, आप हमेशा इसको नोट में याद रखिएगा, यह हमेशा यूज होने वाला है, 0 1 5 6। अगर इस टाइप का नंबर आपको पहले अंक पे दिखाई देता है, चाहे जितनी भी लंबी बड़ी संख्या हो, चाहे उसकी पावर जो हो, आप लोगों को 0 1 5 6 अगर नंबर दिखाई दे देगा तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, नो चेंज।
नो चेंज का मतलब है सीधा सीधा प्रोसेस वही लिखेंगे। अब देखिए, अगर यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन देखा था जीरो का, 10^2 है, 10 का पूरा दो बार करेंगे या 10 की घाती यन कर देंगे तब भी हमारा क्या आएगा, शून्य ही आएगा। इकाई अंक पे क्या आएगा, शून्य आएगा। इसमें कोई परिवर्तन है नहीं है। तो इसी प्रकार से दूसरे का करके देखते हैं, 11 में 11, 11 में 121, 121 × 11, 1331। तो हमारा पहला अंक का डिजिट क्या है, 1 आया। पहला अंक का डिजिट क्या है, 1 आया। तो हम सबसे पहले चेक कर लेंगे क्वेश्चन पढ़ते ही कि हमारा पहला वाला अंक इसमें 0156, ये चार अंकों का पासवर्ड आप तो याद ही कर सकते हैं। जब मोबाइल का पासवर्ड 6-6 अंक का याद कर लेते हैं तो चार अंक का पासवर्ड याद करने में क्या जाता है, 10 नंबर का मोबाइल अंक आता है। तो आप टाइप सेकेंड में ट्रिक्स नंबर 2 का यूज करेंगे। ट्रिक्स नंबर 2 में 0156, अगर इकाई के अंक पर 0156 आता है, 0156 आता है, तो उसमें नो चेंज, हम डायरेक्ट उसका लिखेंगे कि यूनिट डिजिट क्या होगा, वही अंक होगा जो इकाई अंक में दिया है। लेकिन कौन कौन से अंक होंगे, 0156, ताकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को याद हो। इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा इकाई अंक क्या है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे भैया इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। गुणा करके देख लीजिए आप, ठीक है, 25 × 25 बार करेंगे, उस समय से मतलब नहीं है। हमारा यूनिट डिजिट इसमें देखेंगे कौन सा है, 5 है, तो नो चेंज। तो हम बता देंगे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। हमारा इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। गुणा करने थोड़ी बैठेंगे, 25 × 25 बार गुणा करना कितना लेंदी चैप्टर हो जाएगा, और कितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे तब भी जाके वह हमारा समय से बाहर हो जाएगा। हमें तो ऑप्शन है, एग्जाम में क्या है, ऑप्शन दिया रहेगा, चार प्रकार का ऑप्शन दिया रहेगा, फटाक से आंसर देना हमको, तो मात्र कितने सेकंड में हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, 3 से 4 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यह सेशन बहुत ही शानदार और इंटरेस्टेड होने वाला है, ताकि इस पर आप लोग ध्यान देते रहिए, ठीक है, और लास्ट वीडियो तक बने रहिए। एक टाइप और बताऊँगा इसका, मैं अलग से एक क्लास बनाऊँगा, एक क्लास चालू करूँगा, और उसमें यूनिट डिजिट का पूरा चैप्टर आप लोगों को सेशन में डाला जाएगा। आप सिर्फ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, इसमें कोई नो फीस देना है नो, आप लोगों को सिर्फ क्या है, रेगुलर टाइम पे हमारे क्लास को ज्वाइन करना है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिए, ताकि गरीब छात्रों को मदद मिल सके हम जैसे, इसीलिए यह चैनल मैं आप लोगों के लिए क्रिएट किया हूँ। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर अगर 1 डिजिट है तो हम क्या करेंगे, 5 लिख देंगे। इसी तरह से हमारा पहला अंक इसमें देख लेंगे 0156 में इकाई अंक, तो 0156 तो नहीं है, अगर 6 है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगर आपको गुणा करके देखना है तो गुणा करके देख सकते हैं। ओके, चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं, इसी पर एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो आप लोगों को अगर इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, और इसका क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यह क्वेश्चन हम गलत करके आते हैं, तो आज से हम गलत इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, सही करके आएंगे, और कम समय में करके आएंगे, ताकि मैं दूसरे प्रश्न को समय दे सकूँ या दूसरे प्रश्न को सॉल्व कर सकूँ। तो बस लास्ट तक बने रहिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिए, ठीक है, और आगे का सेशन हमारे पे छोड़िए, हम तैयारी करवाएंगे आपकी। तो चलिए देखते हैं, मैंने बोला था कि टाइप 2 सेकंड में अगर किसी प्रकार का नंबर बढ़ा दो भैया, चाहे जितना बढ़ाना है बढ़ा दो, उस समय से नहीं मतलब है, हमें क्या मतलब है, इकाई अंक से मतलब है। अगर इकाई अंक 0156 दिया है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसका डिजिट लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, डिजिट लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर देखिए हमारा इकाई अंक क्या है, 6 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे इकाई अंक क्या लिखा है, 1 लिखा है, माइनस यहाँ पे इकाई अंक क्या लिखा है, 6 लिखेंगे। 6 + 7, 6 × 1 कितना हो जाएगा, 7, 7 में से 6 चला गया बराबर 1, हमारा यूनिट डिजिट क्या हो गया, 1 हो गया। अब इतना लेंदी तो कर नहीं सकते, 356 × 321 लिखा है, तो 321 बार गुणा करेंगे, 321 × 526 लिखा है, इतनी बार गुणा करेंगे, फिर घटाएंगे, तो कितना समय वेस्ट जाएगा हमारा। तो हम आसान ट्रिक में हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा, हमारा सेशन ये अच्छा लगा, तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ये आपका ड्यूटी बनता है, ठीक है। चलिए थर्ड वाले में देख लेते हैं,
हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्रिक को याद रखते हुए, 4 अंकों का पासवर्ड है, इसको याद रख सकते हैं आप लोग, 0156। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, 01। तो सेम प्रोसेस, नो चेंज, 0। मल्टीप्लिकेशन दिया है, घड़े का निशान दिया है तो गुणा करें। यहाँ पर पहला डिजिट क्या है इकाई अंक पे, 6 है। फिर गुणे इकाई अंक पे क्या है, 5 है। 0156, नो चेंज। बाय द वे आप लोग जानते हैं जीरो में किसी भी अंक का गुणा करने पर हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। अगर इसी तरह से क्वेश्चन दे दिया, सॉरी, 36 के घाती 36 गुणे 35 के घाती 400। सोचेंगे इतना लंबा क्वेश्चन कब तक सॉल्व करेंगे। आसान ट्रिक में हमें क्या देखना है, 0156, हमें तो ट्रिक मालूम है, सीधा रख देंगे भैया, यह 6 होगा और ये इसका अंक 5 है, नो चेंज होगा, 5 होगा, यह 6 और 5 का गुणा करेंगे 30 आएगा, और 30 में हमारा यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट कीजिए और लिखिए, और चैनल में लास्ट तक बने रहिए। चलिए बच्चे आगे देखते हैं, आगे दोस्त देखते हैं। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन, टाइप ए 3 है, टाइप सेकंड हमने पढ़ा, अब टाइप थर्ड देखेंगे। टाइप थर्ड में दिया है 97 पावर 39। कहेंगे इसमें इकाई अंक निकालो, इतना लेंदी घात बना करके हम सॉल्व नहीं कर सकते क्वेश्चन को, हमें 3 से 4 सेकंड में आंसर देना है। तो इकाई अंक सबसे पहले 0156 में देखेंगे कि हमारा इकाई अंक तो नहीं है, नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे साथ दिया है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ। इसको आप सबसे पहले लिख लेंगे, कहिए हमको बेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। बेस मतलब क्या होता है, बेसिक से समझा रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं। बेस हमारा क्या हो गया, 7 हो गया। तो इसकी घात, इसको क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, घात। तो हमेशा आप लोग घात में क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे। घात में क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। अब हमारा घात क्या है, हमारा घात क्या है, 39 भागे 4, 4 9 36 कट गया, यहाँ पे बचा 3। ये हमारा, इसको क्या बोलते हैं, शेष फल। यहाँ पे 7 घाते 4, शेष फल को डायरेक्ट उठा करके यहाँ कर देंगे, कुछ नहीं करना है, इकाई अंक देखना है, 0156 है तो डायरेक्ट लिख देंगे कि हमारा डिजिट यही होगा, टाइप सेकंड में हमने यही पढ़ा। और अगर यह इस अंक में से कोई दूसरा अंक आता है, 7 आता है 8 आता है 9 आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो बेस को सीधा यहाँ पे करेंगे इकाई अंक को, क्योंकि हमें इकाई अंक ही निकालना है, हम पूरा नहीं लिखेंगे, हमें क्या देना है, इकाई अंक। तो घात चाहे जो भी दिया रहे उसे हमसे नहीं मतलब, हम डायरेक्ट घात में क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, जो शेष पर आएगा इसकी पावर चढ़ा देंगे, यानी जो शेष में आएगा वही उसका क्या, सॉरी, वही उसका क्या बन जाएगा, घात बन जाएगा। तो 7 का गुणा 3 बार कर लीजिए, 7 का गुणा 3 बार करेंगे, 7 7 जा 49, 7 9 जा 63 का पहला डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 आएगा। नहीं समझ में आ रहा, एक बार फिर से देखते हैं। 97 की पावर 39 दिया है, मैं इकाई अंक पूछा है, आपको कुछ नहीं करना है, 0156 चेक करेंगे, अगर इकाई अंक पे होगा तो डायरेक्ट, अगर यहाँ पे 6 होता तो हम बता देते भैया इसका यूनिट डिजिट क्या होता, 6 होता 1 होता 5 होता 9 होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, 7 दिया है, ठीक है, 7 दिया हो, 98 दिया हो, 99 दिया, कुछ भी दिया हो, आप उसको ध्यान में रखिएगा, इस 4 डिजिट को कंपेयर करके यहाँ पे रख देंगे। तो इकाई अंक में जो भी अंक दिया जाएगा उसको बेस मान के हम नीचे लिखेंगे, ठीक। घात में चाहे जितनी बड़ी घात दिया रहे उससे मतलब नहीं है, बोल दो भैया और बढ़ा के दो, कोई बात नहीं है, हम सॉल्व कर देंगे इसको। 39 को हम क्या करेंगे, हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे, जब कब होगा, जब ये इकाई अंक में पूछा जाएगा तब,
विचार से भाग करेंगे, जो शेषफल आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आधार का घात बन जाएगा। जैसे ही घात बनेगा हम क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देंगे कि हमारा इकाई अंक क्या होगा, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 होगा। अब आप लोग, यह आप लोगों को समझ में आया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो हमारे वीडियो को आप रिपीट करके फिर से चलाइएगा, ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टेड लगेगा। अब आप लोगों को मन में सवाल आएगा कि अगर 4 से भाग देंगे, अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो क्या करेंगे, तो चलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं बता देता हूँ। सेम प्रोसेस है इसका, जैसे यहाँ पे दे दिया 797 के पावर 36, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट, यानी इकाई अंक बताइए। तो 36 बार हम तो गुणा 797 का करने में तो एग्जाम में कर नहीं पाएंगे, तो सीधा हम क्या लिखेंगे, हमारा इकाई अंक क्या है, 7, ध्यान दीजिएगा 7 है। मैंने बोला था 36, हमेशा इसके पावर चाहे कितनी बड़ी पावर हो उसके पावर में हम क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे, तो 4 9 36। अब तो ये पूरा पूरा कट गया, अब पूछेंगे अब कैसे होगा, तो जिससे हम भाग लेते हैं उसी को हम आधार की घात मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, आधार की घात। अगर पूरा पूरा कटता है तो, अगर पूरा पूरा नहीं कटेगा तो फर्स्ट वाला जैसा स्टेप किए वैसे सेम करके चले आएंगे। अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो हम क्या करेंगे, 7 के पावर 4 कर देंगे, 7 के पावर 4 बार गुणा करेंगे, 7 × 7 × 7, 7 × 7 49, 7 × 9 63, 7 × 3 = 21। तो हम बता देंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1। कितना सेकंड लगा आपको, 4 से 5 सेकंड। पढ़ने में मज़ा आया, मज़ा आया। आप लोग भले ही आप लोग देख रहे हैं लेकिन आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टेड लगेगा हमारा वीडियो, और हमारे वीडियो को आप लोगों को अगर इंटरेस्टेड लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसको भूलिए मत, और नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबाइए ताकि हमारा जो भी अगला वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। और यह बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाया जाता है, और जिस तरह से मैं लेवल को लेकर चल रहा हूँ, यह आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा, आप सिर्फ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो आप लोगों को समझ में आया, हम सबसे पहले इसको देखेंगे आधार को, आधार हमारा 97 है, 97 इकाई अंक हमारा क्या है, 7 है। अगर घात कुछ भी दिया है तो घात में हमेशा हम क्या करेंगे, 4 का भाग करेंगे और जो शेषफल आएगा उसके पावर 3 लगा करके, या कुछ भी आए एन पावर आए उसको हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट बता सकते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या है, अगर मान लीजिए 4 से भाग करने पर घात पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो हम 4 को ही इकाई अंक का घात मान लेते हैं। जब जैसे इकाई अंक का घात मानेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोगों को बच्चे हमारा सेशन कैसा लगा, या कैसा लगा यह हमारा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि गरीब बच्चों को मदद मिल सके। और यह आने वाले एग्जाम में हर प्रकार के एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और जिसको हम गलत करके आते हैं तो इसका मैं एक लेंदी वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें सारे टॉपिक को मैं बताऊँगा, टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5 जितने भी प्रकार के क्वेश्चन है सब सॉल्व कराए जाएंगे। लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आप लोगों को इससे भी अच्छा वीडियो और आने वाली वीडियो रीजनिंग और मैथ की क्लासेस मैं खुद कराऊंगा, और इसमें चैलेंज देता हूं आपको कोई ट्रिक के माध्यम से कोई भी एग्जाम में 80 से 90% तक आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे और प्लस में नंबर आएगा आपका। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, थैंक यू।